Welcome to my channel. I am Girisha and this is Girisha Vlog. यार ये channel थोड़ा सा personal होगा, ये मेरे बारे में होगा and I will try कि मैं आपको अपनी daily to daily life में साथ रखूँ. So today is a very special video. Why? Because आज मेरे channel का पहला video है and secondly this video is with माई हस्बैंड. आप लोगों ने बहुत कॉमेंट्स करे हैं, मैंने टी यू जी के वीडियोज पर भी कॉमेंट्स पढ़े हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ वीडियो में आओ. तो मैंने सोचा कि चैनल का फर्स्ट वीडियो वाई नॉट दिस वन. सो लेट्स गेट इनटू इट. यू गाइज वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन मी एंड अंकित रिलेशनशिप वेन यू गाइज. हाँ मतलब शादी अब पूछने का कोई फायदा नहीं, आप कुछ नहीं बदला जा सकता. एक तो ये दोनों ना हमें बीप कर देना. ये पति पत्नी मान चुके थे. Would you like to say hi to my audience? Hi guys. Okay, बोलो कैसे? Okay, so please meet Ankit. He is my husband and before husband, he is my best friend. Very very camera shy and I have convinced him to come and talk to you guys. जितने भी मेरी reels और pictures और videos देखते हो ना Instagram पे, वो सब हमारे अंकित जी ही बनाते हैं. That's my new job. इसीलिए मैंने शादी करी थी. So moving on to how it started and आज हम यहाँ बैठे हैं शादीशुदा. So नहीं, मैंने जब तुम्हें देखा था ना, मेरा मेरे मन में शादी मैंने कर ली थी तब. कोई बच्चा चांद पाने की जिद कर लेता है. वो बच्चा है और लेकिन वो जिद पूरी हो गई. सो दिस इज अ मोटिवेशनल स्टोरी फॉर अ लॉट ऑफ किड्स. वो आदमी इसको कॉलेज से पसंद करता था बट कॉलेज में वो ऐसा दिखता था. कॉलेज में ऐसा दिखता था, ये फोटो आ रही है. और ये थी टोट, ठीक है. तो ये तब से पसंद करता था और ये कभी बोल नहीं पाया. तो ये मेरे ख्याल से ये गिने चुने उन लोगों में से जो फ्रेंड जोन में घुस के शायद बाहर आए, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर वो फ्रेंड जोन में तो था. ये या सर्वाइवर है ये. फर्स्ट साइट पे क्या हुआ था, फर्स्ट साइट पे शी रैन अवे आफ्टर वॉक, लाइक आफ्टर लुकिंग एट मी. तो मुझे देखा है इसने कॉलेज के बाहर एंड शी जस्ट रैन अवे. आई एक्चुअली गॉट अ फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम हिम एंड उस टाइम पे काफी फेसबुक यूज किया है. आई थिंक 7 साल पुरानी बात, 2014 सो इससे मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा एंड आई वॉज लाइक ओके, जैसे यू नो ठीक है पढ़ी है फ्रेंड रिक्वेस्ट, और भी फ्रेंड रिक्वेस्ट है मेरे पास. तो वो वैसे ही पढ़ी रही एंड आई नेवर लुक्ड एट इट यू नो. बट देन आई थिंक आफ्टर 2 months, 1.5 months आई वॉज गोइंग थ्रू माई फ्रेंड रिक्वेस्ट एंड देन आई सॉ अंकित फ्रेंड रिक्वेस्ट. सो आई थॉट कि अच्छा मैंने ऐसी प्रोफाइल खोला, क्योंकि वो आपके प्रोफाइल में आता है ना कॉलेज का नाम लिखा होता है. मैंने ये तो मेरे कॉलेज से है. तो आई ओपन्ड इट एंड आई सॉ दैट सेम डिपार्टमेंट एंड व्हाई, बिकॉज आई थॉट मेरा सीनियर है, मुझे नोट्स में हेल्प हो जाएगी, मुझे पढ़ाई में हेल्प हो जाएगी, व्हाई नॉट. तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया. मैंने वही किया. After when you was going back, so you said ki we can exchange numbers. I was like, हाँ ठीक है, because you know, I'll tell you, I found him quite sweet and ऐसा वाला जो ऐसे you know ऐसा वाला क्या होता है मतलब मुझे वर्ड नहीं आ रहा, काफी स्वीट सा लगा मुझे, क्योंकि इसको पूरा टैग था कि कैसे लड़की से पहली बार बात करते हैं और कैसे उसको ऐसे दिखाना कि नहीं नहीं आई एम योर गुड फ्रेंड, आई एम योर बेस्टेस्ट फ्रेंड, आई कैन बी दैट बॉय. ओके सो कंधा कहते हैं उसको. तुम कौन? कंधा. क्योंकि मेरे स्पेक्स लगी हुई है, मैं आज भी स्पेक्स पहनती हूँ, तो इसलिए मुझे मेरा नाम चश्मिश रख दिया. वाई? बिकॉज उस टाइम पे ये जवानी है दीवानी मूवी काफी फेमस हुई थी और आई लव दैट मूवी. आई वॉच दैट मूवी ओवर 200 टाइम्स एंड रणबीर इज माय फेवरेट एंड रणबीर दीपिका को चश्मिश लगता था. ये चश्मिश मुझे फाइनल ईयर में इंटर्नशिप करना था. ही सेड कम टू स्कूप, आई एम हियर, आई विल टॉक टू
I talked to my boss, you can come in my team. I was like, okay, ठीक है, तीन महीने तो मैं internship कर ही सकती हूँ. तो I went, मेरा internship लग गया, मैं scoop up चली गई and then basically Delhi आ गई मेरे पास. हाँ. And मेरे पास और chances मिल गए मुझे. So this is the first photo of us in Delhi. मैं बहुत ज़्यादा homesick हूँ, मेरे लिए वो काफी ऐसा था कि यार मैं बहुत दूर आ गई, you know. But then he was the person there जिसने मुझे ऐसे कभी फील ही नहीं होने दिया था कि you know तुम बहुत home away from home. Oh my God! There was always one thing in my mind. हाँ, 3 महीने मैं निकालूंगी. और उसके बाद जैसे ही 3 महीने हुए, there was no looking back. I mean, I never went back to Punjab because I got a job there in Scoop Poop. So talking about Scoop Poop, I met Antil there. Me and Ankit and Antil, we were really good friends from Scoop Poop only. We are very good friends. I used to like her that time also. I couldn't, obviously it takes time. ये पता क्या करता था? सब कुछ ज़्यादा के बोल के आता था कि ऐसे करता था, मुझे पता है. Things changed after we got married. We are exactly the same. Yeah, I think we are. But exactly. We have got two beautiful families together now. Other than that, we are completely the same. मैं अंकित की फैमिली से ऑलरेडी बात कर, लाइक आई यूज टू टॉक टू हिज मॉम बिकॉज शी ऑल्सो न्यू कि हाँ ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. मम्मी पापा उन्हों को वैसे लगता होता है, सबको पता होता है कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, कभी नहीं हो सकते. तो वो बड़ी खुशी से मेरे से बात करते थे. एंड इनफैक्ट माय मॉम, नॉट माय डैड, बट माय मॉम एंड माय सिस्टर, दे ये उनका ऐसे फेवरेट वाला बन गया था, यू नो, ही इज दैट काइंड ऑफ मैन, मामाज बॉय. My sister played a very very big role. My sister and my jiju both actually. So they really loved Ankit already. Love me? They still love me. Hana didi? I am really thankful to God because he is a gem of a person. Yeah. I think मुझे इससे better life partner नहीं मिल सकता था. But still वो मेरे दिमाग में उस time पे ऐसी चीजें चलती रहती थी कि मैं शायद prepared नहीं थी. And this guy also help me to get out of that zone also, and still ये मेरे से लड़ता भी था और इसने मुझे काफी confidence में भी लिया कि कुछ नहीं होगा and all that. मतलब बहुत कुछ हुआ बीच में यार, अब हम वो बताने बैठेंगे तो वीडियो पूरा लंबा, बहुत लंबा हो जाएगा. So we just wanted to keep it short. I want to thank all my family, all my audience, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है. आप TUG पे भी बहुत प्यार देते हो और I am just hoping कि इस चैनल पे भी उतना ही प्यार दोगे. And keep loving both the channels because ये सब आपकी वजह से है. And I will try to entertain you as much as I can. मैं अपने vlogs डालती रहूँगी और आपको entertain करती रहूँगी. Till the time you have to love me, you have to subscribe the channel. So अगर आपको ये video पसंद आया तो please इस video को like करना, share करना, and don't forget to subscribe to Girisha Vlogs. Oh my God!